रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट है स्नेल लॉ से, हमने कर लिया अभी वीडियो में और आपकी इस क्लास में. तो इसमें स्नेल्स लॉ की वैल्यू, ये सब रिजल्ट्स कैसे लगाने हैं, इसको कुछ याद नहीं करना. मैंने जो बोर्ड पे लगा के दिखाया बिल्कुल वही है, कुछ नहीं करना आपने इसमें. ये मैंने लगा के दिखा दिया ग्लास लैब में, इसका रेसिप्रोकल कैसे रिजल्ट बनता है, ये सब रिजल्ट वही है. ये देखो एंड में कुछ नहीं है, एंड में यही आएगा, मैंने बता दिया कैसे करना है. ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट कर देगा, तो कर दे. कंपाउंड प्लेट में क्या प्रॉब्लम है, कंपाउंड का मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, ये बी का, ये सी का, ये फिर से एयर का. तो फिर से लगा लो, ये आई है, ये आर वन है, ये आर वन है, ये आर वन ऑल्टरनेट है, रिफ्रैक्शन आर टू है, ये आर टू है और ये आई है. तो स्नेल लॉ पहले यहां पे लगेगा, रिफ्रैक्शन पे क्या लगेगा, म्यू ए इंटू साइन आई इज म्यू बी इंटू साइन ऑफ आर वन. फिर यहां पे लगेगा म्यू बी इंटू साइन ऑफ आर वन इज म्यू सी इंटू साइन ऑफ आर टू. फिर यहां पे लगेगा म्यू सी इंटू साइन ऑफ आर टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ आई, राइट. तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई. ठीक है, तो इन वैल्यूज पे आप जब इसको स्नेल लॉ को लिखोगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशंस को, ये सब फिर से कैंसिल हो जाएंगे जैसे अभी हमने किया था. कैंसिल होके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. ये सब कैंसिल होने के बाद ये साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, आर टू से आर टू, ये लो ये वन हो गया. तो वन इज इक्वल टू ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए. तो इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा. कोई रिजल्ट नहीं है ये, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया. जब मेरे को क्वेश्चन आएगा मैं फिर से स्नेल लॉ ही लगाऊंगा, मेरे को कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है. बुक्स इसलिए करवाती हैं क्योंकि उनको स्नेल लॉ अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्नेल लॉ ठीक तरह नहीं समझ में आएगा ना लेंस आएगा ना रिफ्रैक्टिंग सर्फेस आएगी, क्योंकि हर जगह क्या लगना है, जहां जहां रिफ्रैक्शन है वहां स्नेल लॉ तो लगना ही लगना है. ठीक है, तो सफिशियंट है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. असली वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स यहाँ से स्टार्ट है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं.